एनडीए में हलचल, अब ये खबर पुरानी हो गई है। भारत लाइव की टीम लगातार आपको दिखा रही है कि किस प्रकार से एनडीए के भीतर खाने में आपसी दलों के बीच आपसी सहमति की, आपसी सामंजस्य की कमी नजर आती है। तभी तो भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाई थी और बिहार के सियासी गलियारों में भी इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि जीतनराम मांझी जी कुछ नया रुख ले सकते हैं, कुछ नया मोड़ दे सकते हैं बिहार की राजनीति को। हमने देखा था कि जीतनराम मांझी जो कि हम के मुखिया हैं, हम प्रमुख हैं, और वे मुलाकात करते हैं बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी जी से। मुकेश सहनी जी आपको बता दें कि VIP विकासशील इंसान पार्टी के जो हैं प्रमुख हैं। ऐसे में सहनी जी जब मुलाकात करते हैं, इसके साथ ही बिहार में एक अलग सियासी चर्चा चलने लगती है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेता है राजद, महागठबंधन का महत्वपूर्ण घटक दल है। जब भी बात राजद और तेजस्वी यादव की आती है और साथ में मुकेश सहनी जी की भी बात याद आ जाती है, तब आपको बिल्कुल याद आ जाता है वो जब चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले महागठबंधन में किस समीकरण पर सहमति बनी है, कितने सीटों पर आपसी दलों का सहमति बना है, इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। होटल मौर्या का वो जगह था जिसके में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी जी दौड़ते हुए भागे थे और एक बात कहते हुए भागे थे। उनका सीधे तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव ने और राजद ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ये बात बिहार की राजनीति में भी आम है कि लोग कहते हैं कि चुनाव का घाव सिर्फ और सिर्फ चुनाव बीतने तक जो है लोगों को याद रहता है, इसके बाद सभी इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन शायद मुकेश सहनी जी इस बात को नहीं भूले हैं। मुकेश सहनी जी समीकरण अलग बन गए। अब मुकेश सहनी जी आपको बता दें कि बिहार में हैं, सत्ता में हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और वही तेजस्वी यादव जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, वो नेता प्रतिपक्ष बन के विपक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता से 2 कदम दूर हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी ने इस तमाम मामले में तेजस्वी यादव जी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं बनाया है। आपको बता दें एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है, मुकेश सहनी जी ने आज राजद के एक विकेट झटक लिए हैं। देव ज्योति हैं, युवा उद्यमी हैं, बिहार के हैं, पटना से हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे देव ज्योति जी। उनका विकेट जो है राजद से तोड़ करके आज VIP में शामिल करा लिया है बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, जो VIP सुप्रीमो है। उन्होंने देव ज्योति जी को पार्टी में पद भी दे दिया है, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और प्रवक्ता बनाया है। एक बड़ा विकेट माना जा रहा है कि मुकेश सहनी जी ने राजद परिवार का गिराया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी जी ने उस घाव को एक बार फिर से हरा करने का काम किया है जो घाव उन्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला था। मुकेश सहनी जी के बारे में भले ही कहा जा रहा हो कि वे सत्ता में हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, और ये भी बात कयास लगाए जा रहे थे कि राजद के साथ जा सकते हैं, लेकिन साथ जाने की बात जब होगी तब देखी जाएगी, लेकिन जाने से पहले राजद का एक विकेट, एक महत्वपूर्ण विकेट मुकेश सहनी जी ने गिरा दिया है और उसे, उस गेंद को अपने पाले में कर लिया है। फिलहाल मुकेश सहनी जी आगे चल रहे हैं। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।